855 को इतने साल हो गए, अभी भी अगर इसको चलाओ ना कोई नहीं जैसी फीलिंग, मतलब मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसी फीलिंग कोई दूसरा ट्रैक्टर दे सकता है आज भी सेम। ये आज सुबह सुबह अपने रेड हल्के पे कपड़ा मार दिया, और ये टायर गाड़ी में फट गया, इस पे मार दिया कपड़ा और इसको चमका दिया। ठीक है, तुम स्टिकर की बोल रहे, स्टिकर बुला लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे यार तुम। बाकी इस ट्रैक्टर को, अपने ओल्ड वेपन को, इस पे भी तुमने, तुम्हारी डिमांड है ना, एक दिन मैं पोल डालूंगा जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा, ओल्ड इज गोल्ड का या ओल्ड वेपन का, जिस पे परसेंटेज ज़्यादा रहेगा वो लिखवा देंगे। बट यू अभी नहीं, अभी तो अपना सारा काम इस पे चल रहा है, इस पे इसके इसका कंप्लीट होने के बाद फिर वापस इसको पकड़ेंगे। तो इसकी तुमने देखा कि भाई ट्राली, मतलब हर कहीं भी जाना है, मंडी वंडी, तो यही ट्रैक्टर अपना जाता है। ये देखो, कल ही अपन मंडी गए थे, लेकिन अब ये नहीं जाएगा क्योंकि अपने को जाना है थोड़ी सी दूर। तो ये अपने लोकल मंडी में जाते हैं, इसको भी ले जा सकते हैं, अपन ने इतना इंजन चेंज किया, इसकी रेस खोल कर रखी, पावर स्टीयरिंग कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आराम से कहीं भी ले जाओ। लेकिन जब घर में ये खड़ा है, हैं, और मेरे को जाना है, तो फिर तू यहीं रहे पुराना आदमी, तू यहीं रहे। इसकी ट्रॉली खुली है क्या? ये तो और बढ़िया हो गया, इसको बस हटाना ही है और अपने इस रेड हल को फंसाएंगे, और अपने को थोड़ी सी दूर जाना, मतलब अभी ज़रा मैं इसका पटिया लगा लूँ, नहीं तो इसमें से सोयाबीन गिर सकती है, और सोयाबीन, ये देखो पटिया लगा लेते हैं, नहीं तो गिर गुड़ जाएगी। पटिया लगाता हूँ, ट्रैक्टर को इसमें फंसाता हूँ, चलने के लिए होते हैं बिल्कुल रेडी, फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई सब इसमें फंसा ली ट्रॉली, और अपना जो जो सामान रखना होता था, कितने बज गए, 9:17, और ये सारा सामान अपना रख लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। पर मानो ना मानो, इस ट्रैक्टर के पीछे नीली ट्रॉली ज़्यादा बढ़िया लगती है। बाकी अभी तुम सोच रहे होगे कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो देखो, एक जो मंडी अपन इधर जाते हैं वो है सराली, मतलब एमपी जिला हरदा, तहसील सराली की मंडी, और इधर मैं जो जा रहा हूँ वो है भाई खिड़किया मंडी। अभी पता नहीं शायद ट्रैक्टर में तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। तो भाई आधी दूर पहुँच गए, टाइम 9:29। बाकी तुम सोच रहे होंगे कि मैं हर बार जब मंडी जाता था तो वो दूसरी थी, तो भाई साहब वो मेरी थी लोकल मंडी जहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब मैं एमपी के हरदा जिले में रहता हूँ, और जो मेरी तहसील है वहीं पे मंडी है सराली, तो हमेशा भाई मैं वहीं पे जाता था। अभी हम जा रहे हैं भाई खिड़किया, मतलब यहाँ से होगा वो, मतलब 25 किलोमीटर तो देखो पक्का है इधर सीधे रूट पर, इसीलिए मैंने इस ट्रैक्टर को फंसाया ताकि ये ऐसे भागते हुए चला जाए। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ खिड़किया, ज़्यादातर मैं जाता हूँ हरदा जो कि मेरा जिला है, वहाँ पे मंडी जाता हूँ, लेकिन अभी अब की बार मेरे पास है सोयाबीन, तो मैं सोच रहा हूँ कि खिड़किया चलते हैं, क्योंकि यहाँ का रोड भी बढ़िया है और बहुत दिनों से भाई हम खिड़किया गए नहीं, इसलिए अभी इधर चलते हैं। बाकी जो अपनी लोकल मंडी है वो तो भाई अपने वहीं पर मिल जाती है, अपने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी सोयाबीन है अपने पास, तो मैं सोच रहा हूँ चलो इधर घूम भी आएंगे और ये मंडी भी देख के आ जाएंगे। ऐसे मौसम में घूमने का अलग मजा है, और अपने ट्रैक्टर की भी तो जरा बैटरी चार्ज हो जाएगी और टेस्टिंग भी हो जाएगी, क्या क्या कमी है अपन ने इसमें, इतना कुछ जो जो गड़बड़ गड़बड़ करके रखा है, डीजल का भी पता चलेगा कितना पी रहा। अभी आधी टंकी है, ये देखो आधी टंकी में तो डलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और केनोपी का बढ़िया मज़ा लेते हुए, बस पंखा और होता तो मज़ा आ जाता, कोई बात नहीं वो भी अपन लगवा लेंगे बहुत जल्द। बाकी ब्लैक मडगार्ड का भी अपनी अलग लुक है यार। एक भाई ये तो बात है, देखो मतलब 855 को इतने साल हो गए, अभी भी अगर इसको चलाओ ना कोई नई जैसी फीलिंग, मतलब मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसी फीलिंग कोई दूसरा ट्रैक्टर दे सकता है आज भी सेम। ये और पिकअप भी वैसे ही उठाएगा, ये भरी ट्राली होने के बाद भी एक नंबर। ये रोड ऐसे ऐसे है, नहीं तो ये इतना भाग रहा है कि इसको संभालना मुश्किल है, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं इसको संभाल ले, चश्मा पहनना पड़ेगा, इतना भाग रहा है, आंख में से आंसू निकाल दिए। ये जो साइलेंसर है ये और चेंज हो जाता
मजा ही आ जाता यार, इतनी सही आवाज करता ना ये मत पूछो। खैर सौराज है, ब्रेक में से तो आवाज देखो करेगा, मानो ना मानो ये तो करेगा भाई साहब। वजन अगर तुमने डाला पीछे तो फिर करेगा, बाकी बहुत साइलेंसर होता ना इतना साउंड में मजा आता, और जो पब्लिक रिएक्शन मिलता भाई साहब तगड़ा तगड़ा तगड़ा। लेकिन मैं भूल गया, मेरे को अभी याद आया कि साइलेंसर वो वाला डाल लाना था, न्यू हॉलैंड मॉडल। कोई बात नहीं, अभी घर जाके उसको चेंज कर देंगे अपन, चेंज कर देंगे अपन। लेकिन अपने घर वाले किसी चीज़ में अपने को चिल्लाए ना चिल्लाए मतलब कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने जैसे ये लगाया उनको ऐसे कोई मतलब नहीं। लेकिन वो साइलेंसर जैसे ही डाला ट्रैक्टर में भाई साहब फिर डांट खाना पक्का है, मतलब फिर तो कि ये क्या इतनी तेज़ आवाज़ क्यों, उसमें ज़रूर चिल्लाते हैं। एक इसमें और एक अपनी बुलेट, उसका भी साइलेंसर उनको पसंद नहीं कि और कम करो, जो कंपनी से आया था वैसे ही करते इसको। मैंने कहा फिर मतलब ही क्या है यार, ये दोनों चीज़ें तो चिल्लाने वाली है, ये चिल्लाएंगी नहीं तो मज़ा थोड़ी ना आएगा। सामने वो टेकार देख रहे हो भाई साहब, कितना बड़ा घाट सा है, मतलब इतना बड़ा तो नहीं लेकिन एकदम से है वो। अभी उधर से जब ये इधर आता है तो भरी हुई ट्राली लेके पूरे फोर्थ गियर में चढ़ जाता है, चार नंबर हाई में ही चढ़ जाएगा। लेकिन इधर से उधर कोई सी भी चीज़ हुई उधर चढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं वही आज इस पर टेस्ट करूँगा कि ये ट्राली लेके उधर चढ़ पाता कि नहीं। बाकी पानी देखो, देखना है गियर फोर हाई लगा है, अपन नहीं उतारेंगे गियर, क्या ये इज्जत बचा लेगा। अगर यहाँ धचके नहीं होते ना फिर तो चढ़ जाता, लेकिन ये धचके के चक्कर में जो ब्रेक लगाना पड़ा ये गड़बड़ करेगा भाई साहब। अब तो तीन में चढ़ना मुश्किल हो गया, ज़्यादा ही हो गया यार घाट। ले दो नंबर, तीन नंबर, और पीछे ट्राली में सोयाबीन तुमने देखी रखी है, चढ़ गया यार। मैं तो गेयर और उतारने वाला था एक और, अब यहीं से चार डाल दें। चढ़ जाएगा। चारवा पहुंच गया और खिड़किया वो लिखा कितने किलोमीटर, मात्र 10 किलोमीटर। इस साइड जाना है कुल मिला के, इधर का इंडिकेटर चालू करो, इधर जाना है। यार वाकई में वो साइलेंसर लगाते ना जिंदगी के मजे आ जाते, बहुत मजे आते, क्या करो। पर नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं अभी, आ तो रहे बट कम है अभी, फुल मजा नहीं है। पूरा ट्रक में मत भिड़ जाइए वीडियो का चक्कर में यार, ये पेट्रोल पंप वाले की तो बहुत बिक्री हो रही होगी, इस पे तो पैसा ही पैसा हो गया होगा, इतनी भीड़ है। एचपी का है ना यार, वाह यार, टैंकर वाला टेक्ट्रॉन भी कट मार के चल रहा। बाकी अभी मैं पहुंच जाता हूँ उसके बाद में फिर अपने पंडित जी पहुंचने वाले हैं, पंडित जी और चाचा जी। मेरे को तो अकेले ही हूँ, मैं तो अकेले ही उनने भेज दिया, बताओ ये इससे आगे कर लूँ क्या, नहीं तो ये इससे आगे करना पड़ेगा दादा। इसका चक्का फिल करने नीचे आ गया तो अपने ट्रैक्टर के ब्रेक क्या मटक रहा है ये रोड पर, अपने ट्रैक्टर के ब्रेक भी तो इतने फास्ट नहीं है कि इतनी जल्दी रुक जाए इतना वजन लेके। निकल जामा दादा आगे, तगड़ा पब्लिक रिएक्शन। फिर आ गया ब्रेकर यार, ये एमपी वाला उनके ब्रेकर बहुत पसंद है यार, ठेकेदार उनके, वाह वो भी दो दो एक साथ। कहीं नहीं हुई हो बेटा, ब्रेकर ही तो है वो, तो ये रोड छोटा है, नहीं तो ये जो बाइक वाले इनसे भी आगे हो जाएगा। पर एक बात और, इतना तेज चलाना नहीं चाहिए, वो तेरी भैंस की, छोटा हाथी भी ओवरटेक करेगा। कर ले भैया, तू ही कर ले पहले, हम बाद में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हटो वहां से, बाकी वो टेम्पो टाम्पू वाले बच्चों को बड़ा बड़ी खुशी मिलती है ट्रैक्टर को देख के, आई डोंट नो क्यों। यहां से अब अपने को चलना है इधर मंडी, इधर खंडवा रोड, ये इधर खिड़किया रोड, ये खिड़किया ही है ये पूरा ही,
सत्तू जी साइड प्लीज, साइड प्लीज, रेड हल के कम। ओहो ये आ गई कृषि उपज मंडी, पता ना क्या सिस्टम है यहाँ के, पहले ही क्यों रोक लिया। यहाँ पे भाई साहब पर्ची का सिस्टम है अपने, वहाँ तो खैर ऐसा है कि वहाँ भी सिस्टम तो है पर अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती पर्ची अर्ची की। ये लो भाई साहब पहुँच गए, कितने बजे पहुँचे हम भाई साहब बता दे मेरी जान, 10:30 को हो गई। और अपना स्विच बॉक्स देखा ही है तुमने, इसका कमाल दिखा दूँ एक बार, रुक जाओ यहाँ से चालू करने दो एक बार, हो जा हो गई। ये देखो है कमाल, हाँ स्विच बोर्ड का लगा भी बढ़िया जगह, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये वायरिंग जो दिख रही है ये भी सारी अंदर हो जाएगी, इसमें पूरा सामान एक बार ही डल जाए, फिर अब देखते हैं अपने को यहाँ से कब तक मिलती है छुट्टी, कितना समय लग जाता है यहाँ पे। भाई साहब अपना काम हो गया, कितने बजे 11:20, अपनी सोयाबीन का रेट गया 4560, ये पुरानी वाली थी। सोयाबीन की कंडीशन भी देख लोगे क्या तुम, यहीं से देख लेना, देख ली 4560 गई, और ये अपनी पुरानी थी, नई सोयाबीन नहीं है। अब फटाफट से इसको कांटे पे लगाते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी घर निकल सकें, ये सब कांटे पे जाने लगे। उरे चलो भैया वो है कांटा, इधर एक कांटा बंद है, अब ये वाले कांटे पे जा रहे हैं। और पंडित जी भी आ गए, बोले पंडित जी घूम घूम कर पता नहीं क्या पता लगा रहे, तोल रहा है ये, चलो भैया पंडित जी ने पता लगाया, ये तोल रहे हैं। पंडित जी कह रहा यहीं से आगे ले लेता, मन कर नहीं ऐसा काम नहीं करना, लाइन बाई लाइन जब सिस्टम चल रहा है तो चलने दो, कहीं का तोड़ेगा अपने से आगे होएगा तो फिर अपन उससे आगे हो जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही। गर्मी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इतनी तेज गर्मी, इतनी तेज गर्मी कि मेरे को नली नहीं मिल रही, नली कैसे लगानी यार। अपनी दोनों ट्राली बहुत ज़ोर से पेंट मंग रही है, देखो इनको धुलवा के इन पर पेंट करना पड़ेगा, इनकी हालत खस्ता हो गई, वो करेंगे लेकिन अभी नहीं, अपन गेहूं की बोनी के बाद इनको दोनों ट्रालियों पे एक साथ पेंट कराएंगे, और सेम पेंट एक जैसा पेंट ऐसा कुछ जुगाड़ बनाएंगे इनका, 3-4 महीने बाद कर देंगे भाई साहब। बाकी जोंडियर ही जोंडियर हो रहे हैं, इधर तो हरे ही हरे, एक नीला और एक लाल, एक एक ही है वो उधर खड़ा एक लाल। पंडित जी के कोई पुराने मित्र मिल गए, पुराने मित्र, और इधर ट्राली हो रही खाली, ये इससे खाली हो रही क्योंकि वो जो तोल काटा था वो एनी टाइम वो हो गया ख़राब, तो अभी इससे खाली हो रही, उसमें पानी घुस गया ऐसा बता रहे हैं। काही को अरे भाई साहब हो गया सारा काम कंप्लीट, अब हम निकल लिए रेड हल्क लेके, चलते हैं देखते हैं यहाँ की फेमस कचौड़ी है भाई साहब, तो फेमस कचौड़ियों को देखते हुए जल्दी से घर 12:26, अगर अभी निकल जाऊंगा तो 1:26 को पहुंच जाऊंगा। इसको लगाता हूँ सबसे पहले तो उधर गेट के पास, फिर चलते हैं कहीं घूमने। A few moments later. इसमें डीजल में सोच रहा था डलाना तो पड़ेगा, मतलब यहाँ पे सीधी सीधी डंडी थी इसकी, इतना टेढ़ा ये हो गया, अभी जाएगा तो और टेढ़ा होकर पीले पे आ जाएगा क्या। चलो तेरे लिए पेट्रोल पंप भी ढूंढ लेंगे और तुझे खिला पिला देंगे, गाड़ी आ जाएगी यार। ये बोल रहा है कि जल्दी हटो वहाँ से, मुझे दौड़ना है। आज रुक जा, हट रो टेम्पू, हट रो कि टेम्पू को ऊपर ही चढ़ा गो, अरे रुक जा, अरे रुक जा। बहुत मस्ती हो गई आज, अब निकल लेते हैं घर सीधा, रांग साइड से भगा लूँ क्या, पर यार रांग साइड में फिर मेरे को रांग ही रांग जाना पड़ेगा, बीच में से खुला द्वार है, है। उधर से भी ट्रैक्टर आई को बताओ, यू भी साइड ना देने को राजी है, हमारे टायर बाहर निकले हुए हैं, फंस जाएगा इसमें।
क्या पानी है यार, देखो तो। इधर तो भाई साहब सोयाबीन भी कटने लगी, वो वहाँ चल रहा हार्वेस्टर, दिखा या नहीं दिखा पता नहीं तुमको, बाकी कहीं भी उतर जाओ तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। अभी मैं आया हूँ भाई ये दूसरे रास्ते से, तो ये वाला रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, देखो गड्ढे अड्डे, इसलिए मेरे लेट हो गए, 1:47 यहीं हो गई, नहीं तब तक मैं घर पहुँच जाता। मैंने सोचा चलो इधर से सोयाबीन देखते चलते हैं, तो इधर तो सोयाबीन काफ़ी कट रही है काफ़ी। चलो भाई साहब निकल लेते हैं इधर से भी और पहुँचते हैं घर, अब सीधा घर चल के मिलता हूँ आपसे, टाटा बाय बाय, जय राम जी की। ये पंखा लगवाने के लिए मेरे को लगा दिया, एक वो लगा एक ये, यहाँ का और भी थे यहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ जल जुल के सब गए हुआ है, तो अभी जुगाड़ वाले पंखे हैं हमारे पास। अब मेरे को इतनी गुस्सा आ रही, इतनी बिल्कुल मन नहीं इनको लगाने का, पर लगाना पड़ेगा। यो वायर रहा, यो रहा पंखा, यहाँ पे लगाओ यहाँ की, यहाँ वो भी तो नहीं है हिंगल वैसा अभी, तो वो टांग के जैसे वो टंगा है ना ऐसे टांग टूंग के भाग लेता मैं, लेकिन बताओ मेरी भी तो किस्मत ख़राब साली। जुगाड़ पे तो पूरा हिंदुस्तान और हम तो कायम ही है जुगाड़ पे। पुन्ना जी को ऊपर तो नहीं गिरे सुबह, नहीं तो गोबर निकालता निकालता उनका माथा टपक जा। देख एक झाँ को पंखों गायब है और एक तो यही को वापस, एक वो बाकी तो गायब हो गए पंखे। यहाँ पंखे थे पहले फुल वाले, ये तो अब हमने जुगाड़ू लगा दिए, पहले वो थे फुल पंखी वाले, लेकिन वो इतने जल रहे हैं कि मत पूछो, क्योंकि यहाँ पे बंद करने का कोई ऑप्शन, मतलब ऑप्शन तो है पर कोई करता नहीं, हमेशा चालू रहते हैं तो उनकी मोर बन जाती है। जुगाड़मेंट हमेशा फेल होती है, चालू कर जी, अरे यार थारी कर डबल चालू यार, अरे अरे कर तो बंद कर दे, बंद कर दे। और यहाँ पहले भी सेब लगाया था, पता नहीं किसने, पंडित जी ने लगाया कौन ने लगाया आई डोंट नो, पर पहले तो शायद ये बढ़िया चल रहा होगा। मनोज हंसो क्यों, हुई रही हो, पता नहीं क्यों हो रहा है, अपन ने गलत तो नहीं बांध दी होगा कहीं, एक बार और कर तो चालू, भलते भलते घूम रहे हो तो। चाचा जी आ गए, बोलो थारी थारी पटा तो ही जाई रो रे, बंद कर दो लपट लपट के, इधर ही नहीं जाओ, ये तो लपेटा सिस्टम हो गया, हटाओ चलो अपन तो लगे दे, आई जा तू तो ड्रम हटे ले, वे आएगा जब देखेगा तो दो चार बात सुनाएंगे और वे कर देगा सही। चल दे जल्दी जल्दी टेप वेप उठे लो यहाँ से फरार। ये लो भाई साहब आ गए अपन घर, और यहाँ पे अपना 735 भी तैयार है, इसके गेहूं की ट्रॉली भरी गई। अब जाएंगे हम सराली मंडी, खिड़किया नहीं जा रहे, गेहूं तो सारा अपना यही धुलेगा, और ये जो गेहूं का स्टॉक है ये पूरा ख़त्म करना है। अब तो अच्छा है नहीं प्रेम भैया, अच्छा। जो पहली ट्रॉली थी उसमें तो थोड़ा सा वे लग गया था, बाकी सारा गेहूं ख़त्म करके अब आएगा सोयाबीन। हाँ बहुत समय हो गया, और वो पहली ट्रॉली बहुत दिनों तक भरी हुई थी, अब ये भर गई, इसको लेके जाऊंगा सराली मंडी, ये यहीं पे तो लेके सराली मंडी में। और अपनी सोयाबीन जो थी वो तो अपने खिड़किया मंडी दे ही आया, तुम्हें दिखाई मैंने मतलब कल। अब ये सारा स्टॉक गेहूं का अपने को ख़त्म करना है, तो एक तो देखो ये अपन ने भर ली, अब 855 को लगाते और इसकी ट्रॉली भी भरवा लेते हैं, मतलब गेहूँ जितनी जल्दी हो सके सब खाली कर देते हैं। ये एक भर ली, इसको लगाता हूँ, इसकी ट्रॉली भी अपन भरवा लेते हैं। बाकी आज की इस ब्लॉग वीडियो में था इतना ही, दूसरा ब्लॉग मैं यहीं से या फिर आगे से कंटिन्यू करूँगा, इसको मंडी ले जाएंगे ना तब, बाकी उसमें फिर आपको दिखाऊंगा। आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ब्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं, वो समस्या भी बताऊँगा तुम्हें अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।